दोस्तों फ्री फायर खेलते हो तो क्या तुमको पता है कि फ्री फायर में टोटल कितने सर्वर हैं? भाई हो सकता है कि तुम्हें एक दो सर्वर का नाम पता हो या तुम्हें पता हो कि सर्वर कैसे बनते हैं या कहां पे होते हैं, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं पता होगा कि टोटल सर्वर्स कितने हैं फ्री फायर में। टोटल के टोटल बहुत सारे सर्वर है फ्री फायर में। मतलब सर्वर होते क्या है, हर कंट्री का अलग अलग सर्वर होता है मेरे भाई, इसीलिए फ्री फायर में एक सर्वर नहीं है, बहुत सारे सर्वर है। तो आज वही इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उन सर्वर का नाम क्या है। सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि इतने सर्वर होते हैं, ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से सर्वर होते हैं और उनका नाम क्या क्या है और किस किस कंट्री के हैं वो सर्वर, और सर्वर बनाने क्यों इंपोर्टेंट होते हैं, अलग अलग सर्वर क्यों बनाते हैं, एक ही सर्वर क्यों नहीं बनाते, ये भी बता दूंगा इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक का बटन दबा दो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे तुम लोग को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा जल्दी से दबा देना, क्योंकि आज की वीडियो में तुम लोग को बहुत नॉलेज मिलने वाली है और बहुत मजा आने वाली है। तो वीडियो को शेयर करना चाहो तो जरूर करना, लाइक करना और नीचे सब्सक्राइब बटन हर बंदा दबा देना। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आज एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है MTL Sports। MTL का फुल फॉर्म है मोबाइल टूर्नामेंट लीग स्पोर्ट। इस एप्लीकेशन में यार तुम लोग कोई भी ई स्पोर्ट खेल सकते हो, मतलब टूर्नामेंट खेल सकते हो, चाहे वो फ्री फायर का हो, कॉल ऑफ ड्यूटी का हो, पबजी का हो या किसी भी गेम का हो, बहुत सारे गेम के टूर्नामेंट इसमें चलते रहते हैं। डेली बेसिस में फ्री के टूर्नामेंट भी चलते हैं और इसमें बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो तुम टूर्नामेंट से। और इस एप्लीकेशन में कस्टमर सपोर्ट भी दे रखा है यार, मतलब तुम लोग इजिली उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो और इजिली विड्रॉल भी हो जाएगा जितने भी पैसे तुम लोग कमाए हैं। तो यार ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे रखी है, एप्लीकेशन का डाउनलोड करके एक बार चेक जरूर कर देना, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि फ्री फायर में टोटल होते हैं 13 सर्वर, 13 पूरे के पूरे सर्वर होते हैं, और इसमें एक सर्वर में एक दो कंट्री आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सर्वर में एक ही कंट्री आएगी, जैसे हमारे इंडियन सर्वर में दो तीन कंट्री आती है मेरे भाई। मैं बता देता हूँ सारे सर्वर के नाम और वो किस में क्या क्या कंट्री आती है। सबसे पहले है फ्री फायर का इंडियन सर्वर और सेकंड का सर्वर है फ्री फायर इंडोनेशियन सर्वर। इनके नाम से ही तुम्हें पता चल जा रहा होगा कि कौन सी कंट्री आती है इन सर्वर में। और जो तीसरा सर्वर है वो है फ्री फायर थाईलैंड सर्वर, चौथा सर्वर है फ्री फायर ब्राजील सर्वर, पांचवा सर्वर फ्री फायर वियतनाम सर्वर, छठा सर्वर फ्री फायर रशिया सर्वर, और सातवां सर्वर फ्री फायर मैक्सिको सर्वर, और आठवां सर्वर फ्री फायर मिडिल ईस्ट सर्वर, और इस मिडिल ईस्ट सर्वर को मीना सर्वर भी बोलते हैं, और जो नौवां सर्वर है वो है फ्री फायर ताइवान सर्वर, और जो दसवां सर्वर है उसका नाम है फ्री फायर यूरोप सर्वर, और फ्री फायर मलेशिया सर्वर 11वां सर्वर है, और 12वां सर्वर फ्री फायर का पाकिस्तान सर्वर, और जो लास्ट 13 सर्वर है वो नया सर्वर बन रखा है फ्री फायर बांग्लादेश सर्वर। ये पहले नहीं था, अभी बना है, इससे पहले बांग्लादेश इंडियन सर्वर में ही था, लेकिन अब यार सेपरेट हो गया क्योंकि बांग्लादेश में भी काफी जनता हो गई थी। तो यार आज की वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ कि कौन कौन से सर्वर है और कितने सर्वर होते हैं। अगली वीडियो ये लाऊंगा कि इतने सर्वर बनाने की जरूरत क्या थी, एक ही सर्वर क्यों नहीं बनाया, और भी बहुत सारी सर्वर से रिलेटेड वीडियो आएगी। लेकिन वो वीडियो देखने के लिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे सब्सक्राइब बटन है जल्दी से दबा दो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। तो यार मिलता हूं अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय। बशीर भाई नाम नहीं ब्रांड है।